बात करेंगे। बड़ी खबर दुकानों पर नेम प्लेट मामले को लेकर है। दुकानों के नेम प्लेट को लेकर दिल्ली में विवाद की स्थिति हो गई है। बीजेपी पार्षद रविंदर सिंह नेगी की छानबीन यहां पर सामने आ रही है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दुकानदारों को बीजेपी पार्षद ने चेतावनी दी है। कुछ राज्यों में नेम प्लेट को लेकर विवाद है, ऐसे में हिंदू नाम रखकर हिंदुओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है, ऐसा वो इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी पार्षद ने फेसबुक पर ये वीडियो पोस्ट किया है। बहुत से लोग समर्थन कर रहे हैं, बहुत से लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसमें वो बताते हैं कि मुस्लिम भाई से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है नहीं, पड़पड़गंज में इस तरह की दुकान चलने नहीं देंगे। यानी कि जो बीजेपी के पार्षद हैं वो यहाँ वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तुम मुस्लिम हो तो मुस्लिम नाम लिखो, यहाँ तोमर डेरी करके तुम अगर दुकान खोलोगे और कल तक ये चेंज नहीं हुआ तो मैं दुकान बंद करवा दूंगा, सीधे तौर पर चेतावनी देता हूँ, कल से यहाँ पर अपना नाम लगाना। ऑलरेडी नेम प्लेट को लेकर पहले उत्तर प्रदेश फिर हिमाचल प्रदेश में वाद विवाद होते रहे और ऐसे में अब दिल्ली से ये तस्वीर सामने आई है जहाँ पर बीजेपी पार्षद रविंद्र सिंह नेगी का ये वीडियो सामने आया। ये तोमर नाम क्यों लिखा हुआ है? ये तोमर नाम क्यों लिखा हुआ है? मेरी बात सुन, जो तेरा अल्टम नाम है ना, मुस्लिम नाम है, जो वो मुस्लिम नाम लिखा उसमें कल लिखवा देना मुस्लिम नाम। अल्टम खान नाम है, क्या नाम है? अल्टम खान। तो आप मुस्लिम हो ना, मुसलमान हो ना, तो तोमर हिंदू नाम क्यों रखा हुआ है? नहीं, आपके में है तो अपना आगे का नाम रखो ना। ये तोमर नाम क्यों लिखा हुआ है? मेरी बात सुन, जो तेरा अल्टम नाम है ना, मुस्लिम नाम है, जो वो मुस्लिम नाम लिखा उसमें कल लिखवा देना मुस्लिम नाम। अल्टम खान नाम है, क्या नाम है? अल्टम खान। तो आप मुस्लिम हो ना, मुसलमान हो ना, तो तोमर हिंदू नाम क्यों रखा हुआ है? अल्टम खान नाम है, क्या नाम है? अल्टम खान। तो आप मुस्लिम हो ना, मुसलमान हो ना, तो तोमर हिंदू नाम क्यों रखा हुआ है? नहीं, आपके में है तो अपना आगे का नाम रखो ना, असलम रखो। ये तोमर नाम हटा देना, क्यों हिंदुओं की बस्ती में काम कर रहे हो? कम से कम मुसलमान नाम लिखना चाहिए ना, मुस्लिम हो तो बोलना, मुस्लिम हो, मुस्लिम क्या नहीं हो। बीजेपी पार्षद दुकानदारों को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। उसी बीच का ये वीडियो है, वो कह रहे हैं असल नाम पर रखें दुकान का नाम, हिंदू नाम पर नहीं करें दुकानदारी, क्योंकि इस तरीके से जो विवाद है उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल तक ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, उत्तराखंड तक भी इसकी चर्चा हुई। ऐसे में बीजेपी पार्षद हैं जो कि पहुंच गए मार्केट के बीच में और दुकानों पर लगी हुई नेम प्लेट को लेकर बात करते हुए नजर आए। कुछ राज्यों में ऑलरेडी नेम प्लेट को लेकर जो अलग अलग रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। अब दिल्ली से तस्वीर सामने आई है जहाँ पर एक जूस वाले पर पहुंचे बीजेपी पार्षद और कुछ और भी सामान डेयरी से जुड़ा हुआ वहां पर रखा हुआ नजर आया, जिसमें बीजेपी पार्षद रविंदर सिंह नेगी ये कहते हुए नजर आए कि अगर तुम मुसलमान हो तो मुस्लिम नाम रखो। उसमें वो जो दुकानदार है वो बताता हुआ नजर आता है कि हमारे यहाँ भी तोमर सरनेम होता है और एक्चुअल में ऐसा होता है, कई मुस्लिम ऐसे हैं जो तोमर सरनेम लगाते हैं। ऐसे में बीजेपी के पार्षद ये कहते हुए नजर आए कि नहीं, तुम सरनेम नहीं, तुम अपना पूरा नाम लिखो जिससे कि मालूम हो पाए कि तुम मुस्लिम हो, मुस्लिम हो तो मुस्लिम नाम लिखो, ये इस तरीके से लोगों को बरगलाओ नहीं। यहाँ पर ये भी वो कहते हुए नजर आए कि अगर कल तक ये नाम नहीं बदला तो मैं दुकान सीज करवा दूंगा, बंद करवा दूंगा, शटर डाउन मिलेगा। हिंदू नाम रखकर हिंदुओं के साथ खिलवाड़ आखिर क्यों कर रहे हैं, ये बात कहते हुए बीजेपी पार्षद नजर आए दुकानदार से। बीजेपी पार्षद दुकान पर पहुंचे पड़पड़गंज में, अलग अलग दुकानों पर पहुंचे और उसी दौरान का ये वीडियो है जो खुद उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है। रविंदर सिंह नेगी के जरिए उन दुकानदारों को नसीहत दी गई जो मुस्लिम हैं लेकिन हिंदू नाम से अपनी दुकान वो चला रहे हैं। तो बीजेपी पार्षद यहाँ भी दुकानदार को ये कहते हुए नजर आए कि अगर तुम्हारा नाम अल्तमस है, और दुकानदार बताता है कि मेरा नाम अल्तमस तोमर है, तो यहाँ दुकानदार को वो कहते हुए नजर आए कि नहीं, तोमर नहीं, अल्तमस, तुम अपना पूरा नाम लिखो ताकि लोगों को ये मालूम हो पाए कि ये मुस्लिम की दुकानदार है। हिंदू नाम पर दुकानदारी नहीं चलेगी, ये बीजेपी पार्षद सीधे तौर पर दुकानदारों को कहते हुए नजर आए। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट को लेकर अलग अलग रिएक्शंस ऑलरेडी सामने आ चुके हैं। कांवड़ यात्रा से इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद में उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों से भी खबरें सामने आने लगी कि हाँ, वहां पर भी नेम प्लेट लगाने का निर्देश दिया जाएगा।
अभी पिछले ही दिनों हिमाचल प्रदेश में भी इस पर खूब बात हुई है, चर्चा हुई है, जब विक्रमादित्य सिंह ने ये कह दिया था कि योगी सरकार का जो मॉडल है वो यहाँ भी लागू किया जाएगा। ऐसे में बीजेपी पार्षद ने यहाँ दिल्ली में पड़पड़गंज में पहुंचकर दुकानदार को नसीहत दी और कहा कि यहाँ से तोमर हटाकर अल्तमस पूरा नाम अपना यहाँ पर लिखा जाए।